हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट है EVS। हमने आगे के वीडियो में चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 23 तक सीखा था, तो आज हम उसके आगे देखेंगे। पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 पे यहाँ पे सेरॉल्स पल्सीज एंड ऑयल सीड दिया हुआ है। जैसे कि हमने आगे देखा कि सेरॉल्स किसे कहते हैं, पल्सिस किसे कहते हैं और ऑयल सीड किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सेरल्स, तो सेरल्स की बात करें तो सेरल्स में कौन कौन से अनाज आएंगे? वेट आएगा, जुआर आएगा, मेज आएगा, मिलेट आएगा, वो सब क्या है? सेरल्स हैं। फिर पल्सिस, पल्सिस को हम बोलेंगे कठोर। तो कौन कौन से कठोर होते हैं? ग्रीन ग्राम यानी कि मोग, बेंगल ग्राम यानी कि ब्लैक जो चना आवे छे, ए नीचे राजमा छे, बीन, पीस, वो सब क्या है? पल्सीज। आपकी मम्मी घर पे पल्सीज का शाक भी बनाती होगी, मोग का, चना का, वटाणे का, वो सब क्या है? पल्सीज है। फिर है ऑयल सीड्स यानी कि जिसको ब्रोक करते हैं और वो ब्रोक किया हुआ जो होता है वो टुकड़ों को हम कागज़ पे घिसते हैं तो कागज़ तेली हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ऑयल सीड। तो कौन कौन से होते हैं? सिसम यानी कि तल। फिर है कास्टर यानी कि एरंडा। फिर है मस्टर्ड, मस्टर्ड आप लोगों ने देखा होगा कि घर पे जो मम्मी दाल या वेजिटेबल में तड़का लगाती है ब्लैक छोटे छोटे दानों से, वो दाने हैं मस्टर्ड के दाने यानी कि वो मस्टर्ड को हम बोलेंगे राई। नेक्स्ट वाला पेज, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है राइट में द सीड स्लिप इनटू टू इक्वल हेल्व्स आफ्टर ब्रेकिंग। जिस बीज को तोड़ने से समान टुकड़े यानी कि समान हेल्व्स यानी कि भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे है ग्रीन ग्राम, बेंगल ग्राम, राजमा, फील्ड बीन्स, बीन्स, पिजन पीस, वो सब क्या हैं? पल्सीज। वो पल्सीज को हम तोड़ते हैं तो टू इक्वल्स भाग मिलते हैं, दो समान भाग में वो उसके टुकड़े हो जाते हैं। मग के भी दो टुकड़े होते हैं, फिर बेंगल ग्राम यानी कि काला चना उसके भी टुकड़े होते हैं, राजमा का भी टुकड़ा होता है, फील्ड बीन्स यानी कि वाल के भी टुकड़े होते हैं, वटाणा के भी होते हैं, वो सब के जो दो इक्वल भाग में टुकड़े होते वो सब क्या हैं? पल्सीज हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डिकॉट सीड। यहाँ पे दिया हुआ है बाजू पे सीड्स कन्वर्टेड इनटू मैनी स्मॉल पीसीज और पाउडर फ्रॉम आफ्टर ब्रेकिंग। जिस बीज को तोड़ते हैं तोड़ने से हमें छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े या फिर पाउडर मिलता है, वो सब वो सीड्स हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम मोनोकॉट बोलेंगे, मोनोकॉट सीड्स। और जो डिकॉट था वो उसे क्या बोलेंगे हम? जिसमें पल्सीज आते हैं वो सब डिकॉट सीड्स है। और जो सेरल्स और ऑयल सीड में आते हैं वो सब क्या हैं? मोनोकॉट सीड हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है सीड्स विच कैन बी स्प्लिट इंटू टू इक्वल हेल्व्स आर नोन एज डिकॉट सीड्स। क्या है? डिकॉट सीड्स, कि जिस बीज को हम तोड़ते हैं और तोड़ने से हमें क्या मिलता है? टू इक्वल्स हेल्व्स यानी कि दो समान टुकड़े मिलते हैं, उस सीड को हम डिकॉट सीड बोलेंगे। सेकंड नंबर पे सीड विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू इक्वल हेल्व्स, जिसके हमें दो समान टुकड़े मिलते नहीं हैं, आर नोन एज मोनोकॉट सीड। उसे हम बोलेंगे मोनोकॉट सीड्स। तो मोनोकॉट सीड में कौन कौन से आएंगे?
जिसका आटा बन जाता है या छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते हैं, वो सब वेट, जुआर, मेज, मिलेट, राइस, वो सब क्या है, मोनोकॉट है। और डिकॉट में सारे पल्सीज आएंगे और मोनोकॉट में सेरल्स आएंगे। फिर नेक्स्ट उसके नीचे दिया है राइट में दिया है वेट, यानी कि गेहूँ, पिजियन पीस, मस्टर्ड, रिबिट गार्ड, बाजरा, मेज एंड राइस। तो आपको यहाँ पे मोनोकॉट सीड एंड डिकॉट सीड दिया हुआ है स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में से देखकर चीज़ों को डिवाइड करना है कि कौन सा मोनोकॉट में आएगा और कौन सा डिकॉट में आएगा। तो सबसे पहले कि जिसके टुकड़े नहीं होते, जिसके दो समान टुकड़े नहीं होते, उसके कई ज़्यादा टुकड़े होते जो बीज के, और जिस बीज का पाउडर हो जाता है वो सब मोनोकॉट में आएगी। और डिकॉट में कौन सा आएगा, पल्सीज, जो सारे पल्सीज को हम तोड़ते हैं तो टू इक्वल्स हमें क्या मिलता है, टुकड़े मिलते हैं, उसे हम डिकॉट बोलेंगे। तो यहाँ पे आएगा वेट मोनोकॉट में आएगा, फिर मस्टर्ड मोनोकॉट में आएगा, रिबर्ट गार्ड भी मोनोकॉट में आएगा, बाजरा, मेज एंड राइस वो सब है मोनोकॉट सीड यानी कि सेरल्स। यहाँ पे है डिकॉट सीड, तो डिकॉट सीड्स में पिजियन पीस वन ही आएगा और उसे बोलेंगे हम पल्सीज। नेक्स्ट वाले पेज पे यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटीज, टेक 2-3 मोनोकॉट एंड डिकॉट सीड। अब हमें क्या करना है, टेक 2 एंड 3 मोनोकॉट एंड डिकॉट सीड, यानी कि मोनोकॉट सीड्स एंड डिकॉट सीड्स को लेना है कितने कितने, 2 एंड 3। शो दिस सीड्स इन अ टी कप, वो सब सीड को हमें टी कप यानी कि चाय के कप में, प्लास्टिक बैग यानी कि प्लास्टिक की बैग में, और ओपन स्पेस अराउंड योर हाउस और स्कूल। ओपन स्पेस यानी कि खुली जगह पे, अराउंड आपकी आसपास में, हाँ आपके हाउस और स्कूल के आसपास में जो ओपन स्पेस होती है वहाँ पे उन बीज को हमें उगाना है। सी दैट दे आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट, हमें देखना है कि उसको सनलाइट मिलती है या नहीं मिलती है, कैसे मिलती है, वो सब हमें ऑब्जर्व करना है। वाटर द प्लांट्स टाइमली, हमें वो प्लांट्स को, वो सीड को हमने ज़मीन में बोया है तो उस सीड को हमें टाइमली हमें क्या करना है, उसको वाटर देना है। फिर ऑब्जर्व देम डेली, हमें उसका ऑब्जर्वेशन हर रोज़ करना है कि वो बीज कैसे उगता है, सबसे पहला कौन सा बीज निकलता है, वो सब हमें देखना है। तो मोनोकॉट और डिकॉट सीड्स में क्या मैंने बोला था कि मोनोकॉट में हम लेंगे सेरल्स और डिकॉट में लेंगे पल्सीज। तो हमें यहाँ पे देखना है राइट में कि जो हमने बीज बोए थे उस वो बीज सबसे पहले स्प्राउटेड यानी कि कौन निकलता है और क्या होता है। फर्स्ट में है राइट द नेम्स ऑफ द सीड्स विच हैव स्प्राउटेड फर्स्ट, कौन सा बीज है जो सबसे पहले निकलता है, नेम देम यानी कि उसका नेम लिखना है। तो वेट एंड ग्रीन ग्राम, वेट यानी कि गेहूँ एंड ग्रीन ग्राम यानी कि मग, स्प्राउटेड फर्स्ट, वो फर्स्ट निकलते हैं। सेकेंड नंबर में है विच सीड हैव ग्रोन बाय द फिफ्थ डे, कौन से बीज है जो पांचवें दिन जमीन से निकलते हैं। तो ग्रीन ग्राम, वेट एंड फील्ड बीन आर ग्रोन बाय द फिफ्थ डे। विच सीड्स हैज ग्रोन द टॉलेस्ट, यानी कि कौन सा सीड है वो सबसे ऊंचा है। तो ग्रीन ग्राम हैज ग्रोन द टॉलेस्ट। नेक्स्ट विच सीड्स वेर द फर्स्ट टू स्प्राउट बियरिंग टू लीव्स, यानी कि किसके पत्ते सबसे पहले निकलते हैं, किस बीज के। तो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर में वेट एंड ग्रीन ग्राम वेर द फर्स्ट टू स्प्राउट बियरिंग टू लीव्स, उसके पत्ते निकलते हैं, दो पत्ते
उसके निकलते हैं वेट वर्ड ग्रीन ग्राम के। फिर लास्ट वाला पेज है हमारा, ड्रॉ द पिक्चर्स एंड फिलिंग इन कलर देम। यहाँ पे ड्रॉ द पिक्चर ऑफ क्या है, जर्नी नेटिंग सीड्स, यानी कि क्या बोलेंगे हम कि यहाँ पे नीचे जो ऑब्जर्वेशन में पिक्चर्स दिया है और उसका सिंबल है डिस्कशन का, जो लो तीन लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे बीज है, वो बीज को ज़मीन पर रखा हुआ है, फिर उस बीज जो छोटा है वो उससे थोड़ा बड़ा हुआ है यानी कि वो अंकुरित हुआ है, फिर वो ज़मीन से बाहर निकलता है तो उसको दो पत्ते आते हैं, फिर तीन आते हैं, ऐसे ऐसे करके वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमें ऐसा ही पिक्चर ऊपर ड्रॉ करना है। थिंक एंड से में दिया हुआ है, व्हाट इफ अ मैंगो फ्रूट डेवलप्स ऑन क्लिम्बर ऑफ गार्ड्स, यानी कि क्लिम्बर्स ऑफ गार्ड, दुधीनो वेलो, क्लिम्बर्स ऑफ गार्ड यानी कि दुधी का वेला, आप लोगों ने देखा होगा उस पे हमें मैंगो फ्रूट मिले तो क्या होगा। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है, पर यहाँ पे हमें पूछा गया है कि क्या होगा कि दूधी के वेले पर हमें मैंगो कैरी मरे। तो सेकंड नंबर में, इफ देयर वेयर नो सीड इन द वर्ल्ड, हमारे दुनिया में, इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में, इस पृथ्वी पर बीज ही न हो तो क्या होगा, किसी को खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो अब मैं आप लोगों को आगे के वीडियो में इस चैप्टर का जो वर्कबुक में आंसर, छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए उसके आंसर, फिर जो ब्लैंक्स राइट रॉन्ग वो सब है, उसको मैं आप लोगों को आगे के वीडियो में करवाऊंगी। और आपको उसमें से देख के ये टेक्स्ट बुक में जो जो ब्लैंक्स दी हुई है क्वेश्चंस की, फिर सेरल्स, पल्सीज, ऑयल सीड्स, मोनोकॉट, डिकॉट में जो जगह है, उन जगह पे आप लोगों को वर्कबुक में से देख कर टेक्स्ट बुक फिलअप करनी है। थैंक यू।